हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कौशल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो का पीडीएफ अगर आप सभी को डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में अवलोकन किया गया कि 17 और 24 को गलती से 71 और 42 लिख दिया गया है। सही औसत क्या होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं कैसे आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए, 10 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 30 है। लेकिन कब, जब हमने 71 और 42 लिखा है, लेकिन हमें लिखना था कितना, 17 और 24 लिखना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कि कितना ज़्यादा हमने यहाँ पर लिखा है। तो इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 41, 17 और 24, और 71 और 42 होगा आपका 113। अब देखिए, हमें लिखना था कितना, 41 लिखना था, लेकिन हमने कितना लिख दिया, 113। तो हमने तो ज़्यादा लिख दिया है, तो हम देखते हैं कितना ज़्यादा हमने लिखा है। तो क्या करना होगा कि 113 में से 41 को सबसे पहले आप माइनस कीजिए, तो आपका कितना आएगा, 72 आएगा। अब 72 हमने ज़्यादा लिख दिया है, ये क्या है, 10 संख्याओं का योग है। अब हमें क्या करना होगा कि इसे औसत में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, 72 को सिर्फ 10 से हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7.2। अब ये जो 7.2 है, 30 में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 30 में से जब 7.2 हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 22.8 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जल्दी वे में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि स्थिर पानी में नाव की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दो बातें यहाँ पर याद होना चाहिए। एक तो इस क्वेश्चन में अनुकूल होता है और एक होता है प्रतिकूल। ठीक है, अब देखिए अनुकूल में क्या होता है कि नाव का चाल और धारा का चाल आपस में प्लस हो जाता है, जुड़ जाता है, और प्रतिकूल में क्या होता है कि नाव का चाल और धारा का चाल आपस में माइनस हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिकूल दे रखा है और वह देखिए कहता है कि वह धारा के प्रतिकूल 56 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि प्रतिकूल में नाव का चाल क्या है। तो x माइनस वाई बराबर 56y2, तो इसे जब कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 28 बार में जाएगा। ये 28 किलोमीटर पर आवर क्या निकला, प्रतिकूल में नाव का चाल निकला। अब देखिए नाव का चाल यहाँ पर एक्चुअल चाल कितना दे रखा, 38 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि ये 38 किसका चाल है, नाव का चाल है। तो x को हम यहाँ पर नाव मानेंगे और y को हम धारा मानेंगे। तो 38 हम लिख देते हैं, 38 माइनस वाई बराबर कितना है, 28 है। तो ये जो y है उधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस वाई, और ये जो 28 है आप अगर इधर ले जाएंगे तो 38 में से जब 28 जाएगा तो कितना बचेगा, 10, तो वाई बराबर 10। यानी कि धारा का चाल कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, नाव और धारा का क्वेश्चन मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करने के लिए सिखा दूंगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कहता है कि अजय और विजय 13,745.80 रुपये का एक काम लेता है। अजय अकेले 20 दिन में कार्य को कंप्लीट कर सकता है और विजय अकेले 16 दिन में इसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है। सूरज की सहायता से वे 8 दिन में कार्य को पूरा कर लेते हैं, तो सूरज का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ आपको ये यहाँ पर पता होना चाहिए कि पैसा हम आखिर बांटते कैसे हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है अजय 20 दिन में काम को कंप्लीट करता है, फिर आपका विजय है, विजय आपका 16 दिन में काम को कंप्लीट करता है, अजय, विजय और सूरज 8 दिन में काम को कंप्लीट करता है तीनों मिलकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है और देखना है कि आखिर टोटल वर्क है कितना। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 80 होगा। तो टोटल वर्क हमारे पास है 80, यही हमको करना भी है। अब हम ये निकालेंगे कि अजय जो है एक दिन में कितना काम कर सकता है,
विजय एक दिन में कितना काम कर सकता है और ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकता है। तो कैसे निकालेंगे, तो 80 से 20 को डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा आपका 4 बार में, ये जाएगा आपका 5 बार में और ये जाएगा आपका 10 बार में। अब हमें ये पता चल गया कि अजय जो है एक दिन में 4 काम कर सकता है, विजय एक दिन में 5 काम कर सकता है और अजय, विजय, सूरज तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम कर सकता है। अब यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि सूरज एक दिन में कितना काम करेगा। इन दोनों को सिर्फ प्लस करना है और 10 में से आपको माइनस करना है। तो 5 और 4 कितना होगा, 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमें ये पता चल गया कि सूरज एक दिन में 1 काम कर सकता है। अब यही रेशियो के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर पैसा भी आपस में बांटेंगे। तो यहाँ पर अजय है, विजय है और सूरज है, 4:5:1 अजय, विजय और सूरज का पैसा हमारे पास है टोटल कितना, 13,745.80 रुपये है, ठीक है। अब किसका निकालना है, तो यहाँ पर निकालना है सूरज का। तो सूरज का रेशियो यहाँ पर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 रखेंगे ऊपर और इन तीनों को प्लस करके रखेंगे नीचे। तो 5, 4, 9 और 1, 10। जब 10 आया है तो इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पर आपको डाल देना है, आंसर क्या हो जाएगा, 1374.58 रुपये। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। पैसा जब भी बांटा जाता है तो क्षमता के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्षमता निकाला है, अजय एक दिन में 4 काम कर सकता है, विजय एक दिन में 5 काम कर सकता है और सूरज एक दिन में 1 काम कर सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है पैसा भी आपस में बांटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 5 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए ₹1 से उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि 8 वर्षों के लिए 6.25% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किए गए ₹2 पर प्राप्त होता है। तो x/y का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ यहाँ पर बड़ा देखने में लग रहा है, इसका जो आपका सोल्यूशन होगा एक लाइन का होगा। कैसे, तो वो आप देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो इसका साधारण ब्याज है x और y का, दोनों का आपस में क्या है, समान है, इक्वल है। जो भी ब्याज आएगा यानी कि ₹2 आएगा x से, तो y से भी ₹2 आएगा। अगर x से आएगा ₹5 तो y से भी आएगा ₹5। तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है। तो दोनों का जो ब्याज है हम बराबर कर देते हैं तो x और y का मान यहाँ पर निकल जाएगा। कैसे, तो वो आप देखिए। तो पहला राशि यहाँ पर कितना है, ₹1 है। कितना प्रतिशत के लिए दे रहा है, तो 9% के लिए, और कितने वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका ब्याज निकल जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा है ₹2, कितना परसेंट है यहाँ पर, 6.25% है, तो परसेंट हम डायरेक्ट नीचे 100 लिख देते हैं। कितने वर्षों के लिए, तो 8 वर्षों के लिए। अब यहाँ से ब्याज निकल जाएगा y का और यहाँ से निकल जाएगा x का, और ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है, तो बराबर का साइन हम बीच में दे देते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आपके पास होगा। तो 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसे अगर हम हटाते हैं पॉइंट को तो नीचे क्या चल जाएगा, 100 चल जाएगा। तो 25 से जाएगा ये 4 बार में और 25 से जाएगा ये 25 बार में, 4 से जाएगा ये 2 बार में और फिर देखिए ये 5 से जाएगा 5 बार में। अब कुछ नहीं कटेगा। अब ये बाई जो है आपको सिर्फ नीचे लेना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे में आपका बाई हो जाएगा और बराबर में देखिए 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और ये जो सिर्फ यहाँ पर 9 बचा हुआ है इसको हम नीचे दे देते हैं, तो यहाँ पर अनुपात आपका कितना निकल गया, 10:9। यही आपका राइट आंसर भी होगा। सो ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन एक लाइन का था, आराम से इसे आप सॉल्व कर सकते थे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यदि a प्लस बी बराबर 40 और aq + bq बराबर 16,480 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको फार्मूला आना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम क्या करते हैं, हॉल क्यू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए q दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, aq + bq + 3ab और इंटू हो जाएगा आपका a प्लस बी, और बराबर में देखिए 40 का जब आप q कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं किसका किसका मान यहाँ पर दे रखा है। तो पहले तो aq + bq का मान यहाँ पर देखिए 16,480 यहाँ पर
दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 16,480। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का भी मान यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, और यहाँ पर देखिए गुना में है, तो 40 को जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 ए बी हो जाएगा, और बराबर में आपका कितना दे रखा है 64,000 यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है कि 16,480 को इस साइड ले जाना है और 64,000 में से आपको माइनस करना है, फिर जो भी यहाँ पर आएगा उसके बाद क्या करना है कि उससे 120 को डिवाइड करना है, बस आपका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इसका कैलकुलेशन कीजिए और आप हमें आंसर इसका बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आप सभी ने सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया होगा। अब इस वीडियो को लाइक एंड शेयर आप ज़रूर करें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।